नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के रिजल्ट को लेकर एक खबर आप सभी को दिखाई जा रही है और हर एक चैनल पर लगभग आपको वो देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ट्विटर कैंपेन करने के बाद एसएससी की तरफ से ऑफिशियली रिप्लाई किया गया है और बताया गया है कि कौन सी डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और किन कारणों की वजह से आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो बताया जा रहा है कि ट्विटर पे एसएससी के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है। तो ये खबर कितनी सही है कितनी गलत, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। तो एक बार आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लें ताकि हर एक चीज आप सभी को एकदम से स्पष्ट हो जाए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ कि ट्विटर के माध्यम से क्या बोला गया है, कितना सच है कितना झूठ अभी आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो स्क्रीन पे यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मैसेज दिख रहा है वो इस तरीके से है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 19 घंटे पहले इस ट्वीट को किया गया है। लाखों अभ्यर्थियों को एसएससी जीडी के रिजल्ट का इंतजार है, तो मैं एसएससी टेक्निकल टीम की तरफ से उनको कहना चाहूंगी कि आपका रिजल्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आ जाएगा। आप अपने दौड़ फिजिकल जांच परख अथवा प्रशिक्षण के लिए अपनी मेहनत जारी रखें, एसएससी अपने शेड्यूल से ही चलेगी, शुभकामनाएं जी। अब आप देख रहे हैं कि कौन सी भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे सीधी सी बात, पहले तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि ये जो आपको ट्वीट दिखाया जा रहा है वो 100% फेक है, यानी कि 1% भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्यों नहीं है, पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि एसएससी का कोई भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो यही क्लियर हो जाती है कि जब एसएससी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है ही नहीं, तो एसएससी की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो कैसे सकता है। अब यहाँ पे बात करें कि फिर ये ट्वीट किसने कर दिया, तो आप सभी को बता दें कि अगर आप ट्विटर पर जाके देखेंगे तो एसएससी के नाम से बहुत सारे ट्विटर हैंडल अकाउंट फेक बनाए हुए हैं, जो कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है ये भी किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, और शायद ये कोई महिला है जिसकी तरफ से ये ट्विटर हैंडल अकाउंट चलाया जा रहा है। और इस पे जिस तरीके का ये मैसेज डाला गया है उसमें आप भाषा देख सकते हैं, किसी भी आधिकारिक बयान में इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसमें कोई भी व्यक्तिगत जानकारी उसकी नहीं बताता है। अगर एसएससी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो एसएससी की तरफ से ही उन शब्दों का यूज किया जाता है। तो पहली बात तो नादान है, इन्हें पता नहीं है कि ट्विटर हैंडल अकाउंट तो बना लिया है, उस पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए हैं, तो वहां से जो भी काम है वो चल रहा है, लेकिन जानकारी कैसे देनी है, मतलब सबको पता है कि ये गलत है, लेकिन गलत को भी सही तरीके से प्रेजेंट करना भी इन्हें नहीं आता, और बस चले हैं कि हम यहाँ पे ट्विटर हैंडल अकाउंट पे जानकारी देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से गलत है, एसएससी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। और फिर से मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पे एसएससी का कोई भी ट्विटर हैंडल अकाउंट नहीं है। तो एसएससी की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर जारी होगी तो वो केवल और केवल ssc.nic.in पर ही जारी होगी, और कोई दूसरा माध्यम एसएससी नहीं अपनाता है जिसके माध्यम से वो आपको कोई भी अपडेट दे। अगर कोई नोटिफिकेशन हो, कोई भी अपडेट हो, कोई नोटिस जारी करना हो, कुछ भी जारी करना हो, आपको एसएससी की वेबसाइट पर ही देखने के लिए मिलेगा, अन्य किसी जगह पर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो अपडेट है आपकी पूरी तरह से फेक है, ऐसी कोई भी अपडेट एसएससी की तरफ से नहीं दी गई है। बाकी का बस आप इंतजार करो, क्योंकि इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपका रिजल्ट जारी होना है और एसएससी को जब जारी करना है तभी आपका रिजल्ट जारी होगा, ना ट्विटर कैंपेन से कुछ होने वाला। अगर मैं हवन पे बैठ जाऊं, पूजा करने लग जाऊं, उससे कुछ हो जाए तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आना है तभी आपका रिजल्ट आएगा। बट आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि जितना हो सके आप वेबसाइट को कम यूज करें, क्योंकि एसएससी डेटा अपलोड करेगी तो एसएससी की वेबसाइट पे करेगी। जब आप ही उसे इतना बिजी रखेंगे तो निश्चित तौर पे सर्वर डाउन रहेगा, जिससे कि एसएससी को भी शायद काम करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप बस इंतजार करो और थोड़ी देर के लिए उसे भी थोड़ा आराम दो वेबसाइट को, क्योंकि वेबसाइट इतनी स्लो हो जा रही है। तो उसका मेन रीजन ये है कि सभी कैंडिडेट उस पे लगे पड़े हैं, इसी की वजह से वो वेबसाइट पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। तो थोड़ा खुद को आराम दें और थोड़ा वेबसाइट को आराम दें, तो निश्चित तौर पे आपको जल्द ही आपका रिजल्ट वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी की अगर कोई भी अपडेट होगी तो आप सभी को बता दी जाएगी। फिलहाल यही आपकी अपडेट थी जो कि आप सभी को बता दी गई है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको एकदम से स्पष्ट हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही रिजल्ट आए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।